दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है गर्भवती परी को कौन बचाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। जोधपुर नाम के एक गांव में सोहन नाम के एक लड़के ने परीलोक की निशा परी से शादी की थी। परी होने के बावजूद निशा बहुत ही सांवली थी और दिखने में भी कुछ खास नहीं थी। इस वजह से उसकी सास चमेली उसे नापसंद करती थी और साथ ही उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन चमेली अपनी बहू निशा को लेकर किसी की शादी में जाती है। शादी में आई दूसरी औरतें जानबूझकर चमेली की बेइज्जती करने के लिए निशा की बुराई करना शुरू कर देती हैं। अरे चमेली, सच में तू बड़ी बदनसीब है। जब भी मैं तुझे देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। पता नहीं कहाँ से इसे ये काली कलूटी बहू मिल गई। ये तो सिर्फ नाम की ही परी है, इसे घर के काम भी जरा भी नहीं आते। मैंने तो सुना है तू अकेले ही घर के सारे काम करती है, क्या ये बात सच है? उन औरतों से सहानुभूति पाने के लिए चमेली झूठ बोलना शुरू कर देती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है बहन, मेरी ये बहू बहुत बेकार है। घर के हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है, जिस वजह से मुझ अकेली बुढ़िया को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तेरे बेटे की अकल पर पर्दा पड़ गया था जो इस कोयले की तरह काली परी से शादी करके इसे घर ले आया। जरा हमारी बहू को देख, सुंदर रंग रूप के साथ साथ घर के कामों भी पूरी तरह निपुण है। उन औरतों की बहुओं को देख चमेली मन ही मन गुस्से से तिलमिलाने लगती है। तभी वहाँ खड़ी एक औरत आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है, अरे चमेली बहन, तुम बहुत भोली हो। अपनी बहू की करतूतों से तुम वाकिफ नहीं हो। कल ही तुम्हारी बहू कुएं के पास एक लड़की से तुम्हारी बुराई कर रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सारी बातें सुनी है। तुम्हारी बहू कह रही थी कि उस बुढ़िया के रहते मुझे घर में सुख नहीं मिलता। मैं तो दिन रात उस बुढ़िया के मरने की मन्नत मांगती हूँ। जिस दिन बुढ़िया मर जाएगी उस दिन पूरे गांव को 56 भोग की दावत खिलाऊंगी। बस फिर क्या था, ये सुनते ही चमेली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसी वक्त अपनी बहू को थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। मैंने कभी आपकी बुराई नहीं की, मेरा यकीन करिए। अरे चुप कर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी शक्ल की तरह तेरा दिल भी काला है। आज मैं तेरी खाल खींच लूंगी। उसके बाद चमेली एक छड़ी उठाकर निशा को मारने लगती है। दूसरी तरफ ये तमाशा देख वहाँ खड़ी सभी औरतें मन ही मन खुश होती हैं। उसके बाद चमेली निशा को मारती हुई घर ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद निशा परी गर्भवती हो जाती है। जब ये बात चमेली को पता चलती है तो खुश होने की बजाय वो मन मार कर बैठ जाती है। तभी चमेली के पास उसकी सहेली आती है। क्या बात है चमेली बहन, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, इन दिनों मेरी बहू गर्भवती है और मुझे डर है कि कहीं ये मनहूस अपनी ही तरह काली कलूटी लड़की को जन्म ना दे दे।
पहले ही मैं काली बहू की सास होने के ताने सुन सुन कर तंग आ चुकी हूँ। अरे तू चिंता क्यों करती है चमेली बहन, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। बगल वाले गांव में एक तांत्रिक रहता है, वो अपनी जादुई शक्ति से होने वाले बच्चों का लिंग पता कर लेता है। अगर तेरी बहू के गर्भ में लड़की हुई तो वो जहर देकर उसे पेट में ही मार देगा। अगर तू कहे तो मैं कल ही उस तांत्रिक को लेकर तेरे घर आ जाती हूँ। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई, तू कल ही उस तांत्रिक को लेकर आ जा। फिर अगले दिन चमेली की सहेली उस तांत्रिक को लेकर चमेली के घर पहुंच जाती है। तांत्रिक इलाज के बहाने निशा को एक दवाई खिलाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उसके गर्भ की जांच करने लगता है। ये तो अनर्थ हो गया बहन जी, तुम्हारी बहू के पेट में तो इसी की तरह काली लड़की पल रही है। कहिए अब इसका क्या करना है? अरे करना क्या है, मार दो। ठीक है, मैं इस बच्ची को तो जान से मार सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी बहू की भी मौत हो सकती है। मैं किसी बात की गारंटी नहीं लेता, अच्छी तरह सोच लो। अरे इसमें सोचना क्या है तांत्रिक जी, अगर ये कलमू ही मर जाएगी तो मुझे इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसे जहर पिला दीजिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये सुनकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है और फौरन निशा का मुंह खोलकर उसे जहर पिलाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उल्टियां करती हुई निशा होश में आ जाती है। निशा अपनी सास के गलत इरादे समझ जाती है और उठकर वहां से भागती हुई घर से बाहर निकल जाती है। अरे ये तो भाग रही है, पकड़ो इसे। फिर चमेली अपनी सहेली के साथ मिलकर निशा को पकड़ लेती है। चलो तांत्रिक जी, जल्दी से जहर पिला दो। उसके बाद तांत्रिक निशा को जबरदस्ती जहर पिलाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई शेर पर सवार आसमान से गुजर रही रानी परी ये सब देख लेती है। अरे नहीं, ये तो एक परी है, इस पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, मुझे फौरन इसे बचाना होगा। उसके बाद रानी परी अपने जादुई शेर को लेकर चमेली के आंगन में उतर जाती है। रानी परी को देखते ही निशा परी फौरन दौड़कर उसके पास पहुंचकर मदद की भीख मांगने लगती है। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, अब मैं इन दुष्टों को इनकी करनी का फल दूंगी। अरे तांत्रिक, ये परी तो बहुत ही खतरनाक लग रही है, जल्दी कुछ कर वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। चिंता मत कर, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से इस परी को जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी रानी परी अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक की छड़ी को जला देती है और उसके बाद तांत्रिक को एक कुत्ते के रूप में बदल देती है। तांत्रिक भौंकता हुआ वहां से भाग निकलता है। तांत्रिक की ऐसी बुरी हालत देख चमेली और उसकी सहेली डर के मारे कांपने लगती हैं। अरे चमेली चल भाग, वरना ये परी हमें भी किसी जानवर के रूप में बदल देगी। फिर चमेली और उसकी सहेली वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन तभी निशा परी उन दोनों की चोटी पकड़कर
उन्हें मारने लगती है। अरे भागती कहाँ हो, अब तुम दोनों नहीं बचोगी। सुनो रानी परी, इन दोनों को ऐसी कड़ी सजा दो कि ये दोनों जिंदगी भर याद रखें। चिंता मत करो, इन दोनों के लिए मेरे पास बहुत ही खास सजा है। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को बंदरिया के रूप में बदल देती है। अब ये दोनों इसी तरह बंदरिया बनकर दर दर भटकेंगी। इन दोनों के लिए यही सजा बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ निशा का पति सोहन आ जाता है। उसके बाद निशा सोहन को चमेली के बारे में वो सारी बातें बता देती है कि किस तरह वो उसकी और उसके बच्चे की जान लेना चाहती थी। सुनो निशा, कल होली का त्योहार है, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास तोहफा देकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ रंगों से भरा एक विशाल मटका प्रकट कर देती है। चलो अब मटके की सीढ़ी पर चढ़कर मटके के अंदर चली जाओ। उसके बाद तुम्हें उस मटके का चमत्कार देखने को मिलेगा। फिर निशा परी सीढ़ियाँ चढ़कर मटके के ऊपर पहुँच जाती है और मटके के अंदर रंग बिरंगे पानी में उतरकर नहाने लगती है। फिर अगले ही पल निशा बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है और उसकी साड़ी एक सोने के रूप में बदल जाती है और वो अपने पंखों पर सवार होकर एक प्यारी सी बच्ची को गोद में लिए मटके से बाहर निकल आती है। ये चमत्कार देख निशा के पति सोहन की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं और वो रानी परी का शुक्रिया अदा करने लगता है। अब ये जादुई मटका हमेशा तुम दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। कल होली के दिन तुम दोनों इस मटके के रंग से सभी गांव वालों के साथ होली खेलना। उसके बाद तुम्हारे गांव की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसके बाद रानी परी का जादुई शेर हवा में उड़ता हुआ उसे लेकर आसमान में दूर कहीं गायब हो जाता है। फिर अगले दिन सोहन सभी गांव वालों को होली खेलने के लिए अपने घर बुला लेता है। अच्छा, तो तुम सब होली खेलने यहाँ आ गए। चलो आज मैं तुम्हारे साथ ऐसी रंग बिरंगी होली खेलूंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर जादुई मटके के पानी के अंदर से ढेर सारे रंगों से भरे बड़े गुब्बारे बाहर निकलकर गांव वालों के ऊपर गिरने लगते हैं। उन गुब्बारों के फूटते ही गांव वालों के शरीर में मौजूद साधारण कपड़े सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं। उसके बाद जादुई मटके से रंगों का फव्वारा फूट पड़ता है और उस फव्वारे का पानी गांव में मौजूद सभी टूटे फूटे घरों को सुंदर मकानों के रूप में बदल देता है। ये सब देख गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं और जादुई मटके का शुक्रिया अदा करते हुए हंसी खुशी एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं। इस तरह वो जादुई मटका निशा के साथ साथ पूरे गांव वालों की किस्मत बदल कर उनके जीवन में खुशियों का उजाला भर देता है। उस दिन के बाद से उस गांव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और गांव के सभी लोग धनवान बनकर अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रानी परी की मृत्यु की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रानी परी की मृत्यु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है,
पृथ्वी से दूर परीलोक में परियों की दुनिया बसी हुई थी। उस परीलोक में रानी परी अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसकी एक 10 साल की बेटी थी सिंड्रेला, और रानी परी की एक बहन भी थी, उसका नाम करिश्मा परी था। वो लोग हंसी खुशी एक साथ रहते थे। करिश्मा परी छोटे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन रानी परी करिश्मा परी से बोली, तुम जाकर मेरी बेटी सिंड्रेला परी को घुमा कर ले आओ, मुझे कुछ काम करने हैं। पर मैंने अभी अभी मेकअप किया है और मैं बाहर धूल मिट्टी में नहीं जा सकती, वरना मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। और वैसे भी आप जानती ही हैं, मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे रानी परी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन रानी परी करिश्मा परी को अपने पास बुलाकर उससे कहती है, करिश्मा देखो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ध्यान रखना। ऐसा मत बोलिए दीदी, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर अचानक एक दिन एक खतरनाक बीमारी के कारण रानी परी की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर सिंड्रेला परी बहुत उदास होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। करिश्मा परी को भी अपनी बहन के जाने का बहुत दुख होता है। वो सिंड्रेला परी के पास जाती है और उससे कहती है, सिंड्रेला बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मत रो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या माँ वापस आ जाएंगी? चलो अब खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बताइए ना क्या माँ वापस आ जाएंगी? चलो पहले हम खाना खा लेते हैं। नहीं मुझे नहीं खाना। देखो अगर तुम खाना खाओगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगी। चलो पहले खाना खा लेते हैं। फिर किसी तरह सिंड्रेला परी खाना खाने के लिए मान जाती है और करिश्मा परी के साथ खाना खाने चली जाती है। फिर रात में सिंड्रेला परी बोली, अरे माँ कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई, इतनी रात हो चुकी है। तुम चिंता मत करो, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी माँ आज तुम्हारे सपने में जरूर आएंगी। क्या सच में माँ मेरे सपने में आएंगी आज? हाँ तुम्हारी माँ आज तुम्हारे सपने में जरूर आएंगी। लेकिन मेरी माँ तो दूसरी है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? अब चुपचाप जल्दी से सो जाओ, काफी रात हो चुकी है, तुम्हें माँ से भी मिलना है ना। फिर काफी कोशिशों के बाद आखिरकार सिंड्रेला परी सो ही गई। सिंड्रेला परी के सोने के बाद करिश्मा परी बोली, ओहो आखिरकार ये सो ही गई, ये कितने सवाल करती है, अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। लेकिन अभी ये छोटी है और इसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी है, और मैंने तो दीदी से वादा किया था कि मैं सिंड्रेला परी का ध्यान रखूंगी, अब मुझे ही इसे संभालना होगा और साथ ही माँ का प्यार भी देना होगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और करिश्मा परी का स्वभाव भी बदलने लगता है, लेकिन सिंड्रेला परी अपनी माँ को भुला नहीं पाती और हमेशा दुखी रहती। पर करिश्मा परी
हमेशा उसे खुश करने में लगी रहती। लेकिन सिंड्रेला परी पर इसका कोई भी असर नहीं होता। धीरे धीरे सिंड्रेला परी खुद को बिल्कुल ही अकेला महसूस करने लगी। एक दिन सिंड्रेला परी बोली, आपने कहा था कि माँ आ जाएंगी, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे मेरी माँ चाहिए। लेकिन बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, आप नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। बताइए ना, मेरी माँ कब आएंगी और वो कहाँ है? अब तुम्हारी माँ कभी भी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि वो भगवान जी के पास जा चुकी है। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। एक दिन सिंड्रेला परी मरने के इरादे से एक नदी के पास गई। अब मुझे मर ही जाना चाहिए, तभी मैं अपनी माँ के पास जा सकती हूँ। वो नदी में कूदने वाली होती है कि तभी वहाँ पर करिश्मा परी आ जाती है और उसे रोक लेती है। करिश्मा परी बोली, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद मैंने तुम्हारे लिए अपना स्वभाव बदला और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आती और हमेशा दुखी रहती हो, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सिंड्रेला परी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो करिश्मा परी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा और हमेशा उदास रही, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है आप मुझे कितना प्यार करती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ। उसके बाद करिश्मा परी सिंड्रेला परी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी करिश्मा परी को ही अपनी माँ मानती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। ओ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।